नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला सरपंच संघ मीडिया प्रभारी नितेश कटरे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 29 दिसंबर को जिला सरपंच संघ बालाघाट के अध्यक्ष वैभव बिसेन द्वारा जनपद पंचायत बरसा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 995 दिनांक 27 दिसंबर के खिलाफ प्राप्त शिकायत बरसा सरपंच संघ अध्यक्ष शदनेश्वरी मरावी द्वारा 28 दिसंबर को शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आदेश की एक प्रति मौजूद थी। उस आदेश में सरपंचों के अधिकार का हनन करने वाला एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बिरसा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली 61 पंचायत में बिगा जनपद सदस्य के हस्ताक्षर के ना ही तो कोई ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होंगे, ना ही सरपंच सचिव कोई बिलों का भुगतान कर पाएंगे। साथ ही सामग्री हेतु वेंडर भी ग्राम पंचायत के ही बनाए जाएंगे और साथ ही 25 लाख तक के अंतर्गत आने वाले कार्य किसी भी ठेकेदार को नहीं दिए जा सकेंगे। इन सब बिंदुओं का अवलोकन करने के बाद जानकारी लेने पर पता चला है कि आज तक किसी भी पंचायत राज अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है, ना ही तो ऐसा कोई राजपत्र जारी किया गया है। सारे नियमों को ताक पर रखकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिरसा द्वारा किसके दबाव में आकर ये आदेश जारी किया गया है, इसकी जाँच करवाकर इस आदेश को तत्काल 7 दिन के अंदर निरस्त करने और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिरसा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने में बिरसा सरपंच संघ अध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी मरावी, खैरी सरपंच एवं जिला सरपंच संघ उपाध्यक्ष गौरीशंकर मोहारे, बालाघाट सरपंच संघ अध्यक्ष सावन पिछोड़े, भटेरा सरपंच भोर सिंह मोहारे, जिला सरपंच संघ मीडिया प्रभारी नितेश कटरे एवं अन्य साथीगण मौजूद रहे। बताएंगे भैया, आज कलेक्ट्रेट आए थे, कुछ मामले को लेकर, क्या मामला है बताएंगे? जी, हमारी बिरसा जनपद पंचायत की सरपंच संघ की अध्यक्ष महोदया से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि जनपद पंचायत बिरसा के जो सीईओ हैं बरवा साहब, उन्होंने आदेश क्रमांक 995 दिनांक 27/12/2022 इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जनपद पंचायत बिरसा की समस्त ग्राम पंचायतों को आदेश किया जाता है, उनके सरपंच और सचिवों को, कि वो बगैर जनपद सदस्य की अनुशंसा के, बगैर जनपद पंचायत सामान्य सभा की अनुशंसा के किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकेंगे, किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं कर सकेंगे सभी वाउचरों पे, बिलों पे, जब तक संबंधित क्षेत्र के BDC जनपद सदस्य की साइन नहीं होगी तब तक उनका भुगतान नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि गांवों के ही वेंडरों को सामान सामग्री दिया जाना है, किसी और वेंडर को नहीं देंगे, अन्यथा कानूनन कार्रवाई की जाएगी। चौथा बिंदु ये लिखा है कि 25 लाख से कम के कोई कार्य अगर पंचायत कराती है और उसमें किसी ठेकेदार के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। बड़ा ही मजाकिया टाइप का ऑर्डर है और इसमें कहीं से कहीं तक अपना पंचायत राज अधिनियम का कोई पालन नहीं, किसी प्रकार के कोई नियम का पालन नहीं, मतलब एक अज्ञानी व्यक्ति जैसे आदेश करता है उस तरीके से उन्होंने आदेश कर दिया। और ये पूरा कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार से ललोपित तो पूरा लिपापोती किया हुआ आदेश है, इसमें कंप्लीट भ्रष्टाचार दिखता है। इन्होंने जनपद के जो कुछ वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता होंगे उनके साथ मिल करके एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि सभी सरपंच जो है इनके अधीन चलेंगे। मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत के जितने भी अधिनियम है उसमें कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि जनपद सदस्य की कहीं दस्तखत होगी प्रस्ताव में। वो उस गांव का नागरिक अगर है तो उस गांव के बतौर नागरिक उस ग्राम सभा में आकर के वहां पे बतौर नागरिक साइन कर सकता है, लेकिन उसकी दस्तखत से सिग्नेचर होगी, अपना बिल पास होंगे, उसकी दस्तखत से प्रस्ताव पारित होंगे, जिसकी अनुशंसा पे निर्माण कार्य होंगे, ये ऐसा कहीं से कहीं तक लिखा हुआ नहीं। तीसरी बात जो उन्होंने लिखी है कि ग्राम के वेंडर को काम देना है, तो हमारी 684 पंचायतों में लगभग 500 पंचायतें ऐसी हैं जहां गांवों में सीमेंट, रेत, गिट्टी और बाकी जो निर्माण सामग्रियों की दुकान ही नहीं है। दुकानें हैं तो बहुत छोटी मोटी, उनका GST नंबर नहीं है, बगैर GST नंबर वाले वेंडर को हम काम नहीं दे सकते, आवंटन नहीं दे सकते। तो ये भी एक तुगलकी फरमान है कि आप जिस गांव के उसी गांव को देना, ऐसा जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। जिसका रेट कम होगा, जिसको सुविधा से हमको सामान दे पाएगा, हम उससे सामग्री खरीदेंगे, पूरी पारदर्शिता है, सारा पेमेंट ऑनलाइन होना है, ठेकेदारी प्रणाली इसमें है नहीं। चौथा उन्होंने कहा है कि भाई सरपंच जो है 25 लाख रुपए से कम के जो काम होगी अनुशंसा, और वो क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई वो ठेकेदारी प्रणाली से नहीं करवाएंगे, तो ठेकेदारी प्रणाली हमारे सिस्टम में है ही नहीं। हमारे सिस्टम में कुल मिलाकर के परमानेंटली पंचायत और सचिव को एजेंसी बनाया गया है। ग्राम